राजस्थान के गुलाबी नगर में हनुमान ग्राम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित होगा बागेश्वर धाम सरकार का एक अद्वितीय 3 दिवसीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आयोजन 30 मई से 1 जून तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम जेडीए स्कीम लालचंदपुरा निवारू रोड पर आयोजित होगा। इस बार की विशेषता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 3 दिवसीय हनुमंत कथा भी सुनाई जाएगी, जो भक्तों की समस्याओं का निराकरण के साथ साथ उनके मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होगी। आयोजक सीताराम यादव ने बताया कि इस बड़े कार्यक्रम के माध्यम से बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 3 दिवसीय हनुमंत कथा सुनाएंगे। एक अद्वितीय आयोजन में कार्यक्रम के प्रतिदिन 10 लाख लोगों के लिए भाग लेने की संभावना भी जताई जा रही है। यह कार्यक्रम रघुनाथ धाम जयपुर के पीठाधीश्वर स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अधिक भव्यता के लिए 29 मई को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों स्त्री पुरुष भाग लेने की संभावना भी जताई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर धाम सरकार की टीम द्वारा एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक बड़े स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शहर के सभी धार्मिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी योजना बना रखी है। राघवेंद्र महाराज और आयोजन समिति के सदस्यों ने जनता दरबार से खास बातचीत करते हुए कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी साझा की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। ये कार्यक्रम हमारा 3 दिवसीय दिव्य दरबार और बागेश्वर धाम के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें हनुमत कथा, 3 दिवसीय हनुमत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 मई को ध्वज पूजन एवं भूमि पूजन के साथ आगाज किया जाएगा। उसके बाद में 29 मई को भव्य कलश यात्रा है और 30, 31 मई और 1 जून को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। आप सभी ठाकुर प्रेमी, धर्म प्रेमी और बाबा बागेश्वर धाम के अनुयायी इसमें सादर आमंत्रित हैं। देखिए, जयपुर में पहली बार बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी की आ रहे हैं, ये पूरे जयपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत ज़बरदस्त एक माहौल है। इनको देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं, वो स्वयं जयपुर आ रहे हैं, तो सभी जयपुर वासी, पूरे राजस्थान प्रदेश से लोग यहाँ आएंगे और हमारी जितनी भी मदद हो सकती है, जो हम सहयोग कर सकते हैं, वो सब हम करेंगे। इसमें बागेश्वर सरकार का एक दिव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। हम लोग सब साथ ही जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ, ये भगवान का इतना बड़ा एक हनुमान जी का रूप है और इतनी सी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो काफ़ी जगह से लोग वाग उनको देखने आ रहे हैं। इसमें मैं विज्ञापन व्यवसायी हूँ, इसमें मेरे विज्ञापन का बहुत सपोर्ट रहता है, जिससे लोगों को पता चल सके कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है, जिससे चर्चा हो सके और सभी लोग इस प्रोग्राम में आ सकें। मैं यही चाहता हूँ, यह देश भर में बहुत प्रमुख प्रोग्राम होने जा रहा है अपने आप में। मार्गों पे, हाथोद रोड पे, कालवाड़ रोड पे, झोंटवाड़ा में साफ से देखिए, जो जयपुर को इस तरह का प्रोग्राम मिला है वो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राघवाचार्य जी के नेतृत्व में, सीताराम जी के नेतृत्व में धीरेन्द्र शास्त्री जी जयपुर छोटी काशी में पधार रहे, तो हम जयपुर वासियों के लिए, सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि यहाँ वो राम कथा अपने मुख से कहेंगे, जिससे छोटी काशी लाभान्वित होगी। और मुझे जो भी कमेटी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी, उसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से और निस्वार्थ भाव से पूर्ण करूँगा।